हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरा पूरा परिवार जो मुझे अभी देख रहा है बहुत ही स्वस्थ, हेल्दी और अच्छा है और अच्छा रहे। और इसी के साथ आप सभी का मेरे चैनल पूजा रियल लाइफ ब्लॉग्स में बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग टाइम निकाल के आए और मुझे देख रहे हैं, उसके लिए दिल से धन्यवाद। और सुबह सुबह का टाइम है, सैटरडे का दिन है, मैंने नाश्ते में बनाया था सोयाबीन की सब्जी, क्योंकि मेरे आलू ख़त्म हो रखे थे और सुबह ही आलू बेचने वाला आया रोड पे, चिल्ला चिल्ला के जाते हैं ना बेचते हुए, तो मैंने उससे आलू ले ली है। और प्याज तो था हमारे पास, तो प्याज नहीं लिया है, और न्यूज़पेपर नीचे ही पड़ा था तो वो भी साथ में लेकर ऊपर आई हूँ। और नहाना धोना सब कुछ हो गया है और पूजा पाठ हो रही है, तो घर के अंदर जो मंदिर में होती है पूजा वो हो चुकी है। यहाँ पे सूर्य देव, विष्णु भगवान, बृहस्पति देव मतलब, और तुलसी माता, शनि देव, समी देव, सबको मतलब जल चढ़ाया है। शीतला माता जो नीम का पेड़ होता है, सबको जल, दीपक, धूप बत्ती जो भी था सब कुछ किया है। फटाफट से नाश्ता किया है और उसके बाद सुबह ही हम लोग निकल रहे हैं कैंटीन के लिए, क्योंकि कैंटीन का सामान सारा हो रखा है ख़त्म। तो सबको भेजने के बाद मैं और दीक्षा आज जा रहे हैं, तो यहाँ अंदर जाने से पहले एंट्री करनी पड़ती है, तो एंट्री की है और पहुंच गए सामान लेने के लिए। तो ये मसाले वगैरह कई चीज़ें हमें, हींग मसाले ये सब चीज़ें कैंटीन के अंदर मिल जाती हैं। कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें ग्रोसरी पे बाहर से ही लेनी पड़ती हैं, तो जो भी मिली हैं ज़्यादातर तो इनके मज़े हैं, इनके खाने पीने के सामान, तो वो सब लिया है और आ गए हैं हम घर। खाने का जुगाड़ बाद में करना, पहले सारे सामान ले जाके लगा दो दीक्षा, जब देव दीपू आएंगे तब रखा जाएगा, पहले जितनी बाजार लगी हुई। हाँ हाँ, मुझे पता है मज़े आ गए हैं, तो बस बाद में खाना पीना, लेकिन अभी ले जाके सारे सामान अच्छे से सेट कर दो। तो कैंटीन से आते आते दोपहर हो गई थी, करीब 1-2 बज गए थे। उसके बाद खाना पीना हुआ है, फिर बर्तन किचन, उसके बाद शाम हो गई है। शाम को यहाँ पर टमाटो सूप बनाया है, दीक्षा ने पूछा मम्मी बना लूँ, क्योंकि वहाँ से लेकर आए थे कैंटीन से और इसको बहुत पसंद है, तो नॉर का जो सूप आता है टमाटो वाला, वो वाला फ्लेवर का मतलब बनाया था, अच्छा बना था। और उसको खाने पीने के बाद हम छत पर ही लेकर आए थे, यहीं धूप में ही खाए थे। और खाने के बाद इनके पापा भी आ गए थे उनके लिए, और बस तीनों लोगों ने लिया था सूप। और यहीं छत पे ये एलोवेरा जो मैंने सीढ़ियों पे रख रखा है ना, वो थोड़ा सा पता नहीं क्यों ख़राब सा हो रहा था, उसकी मिट्टी मैंने मिट्टी निकाल के देखी है कि सही है कि नहीं है, क्या दिक्कत हो रही है, और थोड़ा सा धूप लगाया है और इसको फिर से ले जा के लगा के रखूँगी, शायद सही हो जाए। वैसे तो मैंने कई और गमलों में लगा रखे हैं, तो एलोवेरा ज़रूर लगा के रखिए आप लोग, ये बहुत ही फ़ायदेमंद होता है और घर में आसानी से हो जाता है, जहाँ भी लगा देंगे आप तो बड़े बढ़िया से हो जाता है। मैंने कई गमलों में कुछ भी नहीं करना होता, आप पानी डालते रहें थोड़े थोड़े टाइम पे, पानी भी बहुत ज़्यादा नहीं लेता है, तो ज़रूर लगाइएगा, मैं यही कहूँगी। और वो सब करने के बाद फिर से मार्केट के लिए, हमारा जो है दीपक 2-3 जलता है ना अक्सर, तो एक टूट गया। तो आज का पूरा दिन बस ऐसे ही घूमते फिरते बीत गया है, कैंटीन, फिर वहाँ से आज इनके एक दोस्त थे उनके यहाँ, बहुत दिनों से हम लोग नहीं गए थे, वो लोग आए थे और हमारा जाना हो नहीं पा रहा था, तो आज हम लोग टाइम निकाल के वहाँ भी गए, ढेर सारी शॉपिंग भी कर ली और भी बहुत सारे काम किए, और फाइनली अब आ गए हैं घर में। तो अब होंगे घर के कुछ काम काज, देखते हैं बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है, ये देखिए क्या हो रहा है। तुम लोग देव कहाँ है, आपके हाथ में क्या है, देव कहाँ है, मम्मा मम्मा हूँ, मम्मा ने सूप लिया है, आज सूप ले लिया है क्योंकि मेरा वो सूप जो है वो खराब हो रहा था, तो मेरे को साफ करने के लिए चाहिए था, तो लगे प्लास्टिक का सूप एक है, स्लीपर है, ये ढेर सारा मैंने कॉटन ले लिया है, मंदिर में दीपक जलाने के लिए ना, तो कॉटन से ये होता है तो ख़त्म हो जाता, तो ये पूरा बंडल ही मैंने ले लिया इकट्ठा, ताकि कुछ दिन के लिए फुर्सत हो जाए। और पेन के बाद और दो दो तीन दीपक ले लिए हैं, एक साथ
तीन दीपक हैं इसमें जलाने वाले, क्योंकि कई बार हमें कई दीपक जलाने होते हैं तो कम पड़ जाते हैं, इसलिए इकट्ठा तीन दीपक ये पीतल वाले ले लिए हैं। बस कॉफी के 10 वाले पाउच जो होते हैं वो इकट्ठा ले लिया है मैंने, ताकि कुछ दिन चले। हाँ, पापा की स्लीपर टूटी हुई थी तो स्लीपर ले ली है। ये देखिए बच्चे पहले ट्राई कर रहे हैं, पापा बाद में ट्राई करेंगे। तो शाम को शनिवार था तो खिचड़ी बनी है, क्योंकि दिन भर थक भी गए थे भागम भाग, दिन भर आना जाना ये सब करके, क्योंकि कैंटीन में भी सामान लेना आसान बात नहीं, बहुत भीड़ होती है, काफ़ी लंबी लाइन लगती है, वहाँ पे भी बिल वगैरह कटाने में हर चीज़ में टाइम लग जाता है, और इसलिए शाम को थके हुए भी थे। और अक्सर शनिवार को मैं खिचड़ी बनाती भी हूँ उड़द की दाल वाली, तो वही खिचड़ी बनाई थी, चटनी बनाई थी, वही खाना पीना हुआ है। और अभी हो गई है सुबह, जो मैंने कल आलू लिए थे ना वो रखे ही नहीं थे। तो आज दिन संडे है, इसलिए सुबह साफ सफाई के साथ ही काम भी कुछ होते जाएंगे। और झाड़ू लगाने से पहले मैंने कहा इसको रख दूँ, इसकी पॉलीथीन भी फट गई थी, दीक्षा पता नहीं क्या कर रही थी, उठाया और पॉलीथीन फट गई, तो वैसे ही पड़ी हुई थी। अब इसको इसके अंदर फ्रिज के अंदर रख दूँगी, और रखने के बाद तब झाड़ू लगाऊंगी, ताकि जो मिट्टी वगैरह इधर, वैसे भी मैंने इसमें जो फ्रिज के नीचे रखती हूँ तो इसमें नीचे मैंने पेपर और गत्ते वगैरह डाल रखे हैं, ताकि नीचे मिट्टी ना गिरे। और मेरे टंकियों में चावल और आटा दोनों ही चीज़ें ख़त्म थी, तो आज टाइम भी था, क्योंकि बच्चों को स्कूल नहीं जाना है, इनको तो जाना है, तो उससे पहले मैंने कहा सब कुछ भर के करके फिर झाड़ू लगाना मैंने शुरू किया है। क्योंकि सुबह का मेरा होता है, अक्सर मैं सुबह के टाइम में कोई भी चीज़ भरने रखने का काम कर लेती हूँ, ताकि कोई भी गंदगी कुछ भी हो ना तो वो उसी समय झाड़ू लगा के साफ हो जाए। और अभी उजाला भी नहीं हुआ है, संडे भी है, बच्चों को नहीं जाना, फिर भी जो टाइम रूटीन बन जाता है ना, आँख तो खुली जाती है, इनको ड्यूटी जाना ही है, तो मैं उठ गई, अपना लग गई हूँ अपने काम में, बच्चों को बुला दिया है, पर बच्चे कोई नहीं उठने वाले हैं 8 बजे से पहले, आज संडे के दिन कोई नहीं उठता है, तो मेरा काम रहता है बुला देने का, बाद में ये ना कहे। और मैंने पालक की सब्जी डाल दी है, आलू पालक की सब्जी, और दाल चढ़ा दिया है, और दाल के साथ ही मैंने आलू इसी में दाल में ही डाल दिए थे धुल के अच्छे से, आलू मेरे पक गए हैं, दाल भी हो गई, दाल छौंक दिया, और मैं नहा धो के भी आ गई हूँ, और उसके बाद रोटियाँ बना रही हूँ, तो पहली रोटी गाय के लिए निकालते हैं तो वो निकाल दी है, और उसके बाद खाना पूरा तैयार करूँगी इनके जाने से पहले सुबह ही, और उसके बाद बच्चों के लिए नाश्ते की डिमांड आज कई दिनों से है, तो उसको बनाने के लिए सोचा है, तो फटाफट से बस मैंने रोटियां सेकी और इनको विदा किया, और बच्चे उठे नहीं थे, उनको उठा के फिर आई हूँ मैं, तो बस उसके बाद मैंने कहा थोड़ी सी एक्सरसाइज हो जाए। इस हफ्ते में पूरे हफ्ते मैंने एक्सरसाइज नहीं की, कोई भी कुछ भी नहीं किया, क्योंकि थोड़ी सी तबीयत भी ख़राब हुई थी बीच में, तो हिम्मत नहीं पड़ी। आज थोड़ा टाइम मिला, मेरे को जब टाइम मिलता है ना, जिस भी दिन हफ्ते में 2 दिन 4 दिन कर लेती हूँ, और नहीं मिलता तो नहीं करती हूँ, ऐसा रेगुलर नियम नहीं है मेरा कि मैं पर डे किसी भी हाल में करूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब मेरे को टाइम मिलता है थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कर लेती हूँ, तो बस उसके बाद तब आई हूँ, क्योंकि अब उठ रहे हैं नाश्ता करने के लिए, मतलब बच्चे उठे हैं 8 से 8:30 बजे तक आज उठे हैं, और ठंडी है, इतनी ठंडी पड़ रही है, और छुट्टियाँ भी हैं तो कहाँ उठने का मन करता है, मैं भी नहीं ज़्यादा प्रेशर देती हूँ छुट्टी वाले दिन के, उठो ही सुबह। तो बच्चों की कई दिनों से डिमांड थी मम्मी ब्रेड पकौड़े खाने हैं, बना दो, और ये इतना ऑयली होता है कि इसको बनाने का मन नहीं करता है, लेकिन आज मैंने कहा चलो बना ही देती हूँ इस संडे, और ये बिल्कुल नहीं खाना चाहते ब्रेड पकौड़ा, तो इसलिए ये चले गए हैं, इनको खाना दे दिया, इनके लिए बना के रख दूँगी, आलू रख दूँगी थोड़े से, और जब आएँगे तो 2-4 वैसे ही बिना डीप फ्राई के सिंपल वैसे बना के दूँगी। तो यहाँ पर मैंने आलूओं को अच्छे से मैश कर लिया है, थोड़ा सा तेल डाल के, थोड़ा प्याज डाली है थोड़ी सी, और प्याज में थोड़े से मसाले डाले हैं, मसाले में हल्दी मिर्च और धनिया पाउडर, 3 चीज़ ही डाली है, उसके बाद मैश किए हुए आलू डाल दिए हैं, और प्याज को बिल्कुल कम पकाया है, बिल्कुल हल्का सा सॉटे किया है, और उसके बाद बस इसमें डाल दिया है मैंने नमक, हरी मिर्च और हरा धनिया, ये सारी चीज़ें डाल के आलुओं को, और ऊपर से डाल दिया है थोड़ा सा अमचूर। आलू तो वैसे भी आप मसाला बना सकते हैं, बिना फ्राई किए भी जो मसाला बनाते हैं ना
वो भी चलता है ऐसा, मतलब ख़राब नहीं। अमचूर थोड़ा कम था तो मैंने कहा और डाल दूँ, अमचूर का खट्टापन थोड़ा सा रहता है ना आलूओं में, तो अच्छी लगती हैं। तो बस इसमें चाट मसाला भी डाल सकते हैं अगर आपके पास अमचूर नहीं है। तो इस तरह से आलू हल्के से फ्राई हो जाते हैं तो उनका टेस्ट जो है बढ़ जाता है। नहीं तो आप बिना मतलब फ्राई किए हुए भी मसाला तैयार कर सकते हैं, आलू मैश करके सब कुछ मिला लीजिए, मिला के वैसे भी बना सकते हैं जिसको ज़्यादा जल्दी है और कई बार मेहनत करने का ज़्यादा मन भी नहीं रहता कि ये सब टिटिम्मा करो, तामझाम करो फिर बनाओ, तो वैसे भी बना सकते हैं। मैंने मसाला तैयार करके रख दिया है, बेसन ले लिया है, थोड़ी सी अजवाइन डाल दी, थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी हल्दी, बस ये डाल के अब इसको बेसन का घोल बना लूँगी। ना बहुत गाढ़ा ना पतला, एकदम बीच का होना चाहिए। तो हल्दी थोड़ी सी कम लग रही थी तो मैंने थोड़ी सी हल्दी और डाली है, हल्का पीला होना चाहिए। ब्रेड पकौड़े पीले पीले से दिखते हैं तो अच्छे लगते हैं ना, मुझे लगा कि कम ना हो इसलिए थोड़ी सी और डाल के थोड़ा थोड़ा सा पानी डालते हुए घुमाते जा रही हूँ। और लास्ट में इसमें थोड़ा सा मैंने इनो डाला है या बेकिंग पाउडर डाल सकते हैं ताकि खूब बढ़िया क्रिस्पी से फूले फूले से बने। तो मैं बेकिंग पाउडर की जगह इनो डाल देती हूँ अक्सर की, वो अच्छा रहता है। तो बस यहाँ पे कढ़ाई चढ़ा दी है तलने वाली अपनी, और जो मसाला तैयार किया था उसको अभी एकदम से ठंडा भी नहीं हुआ है क्योंकि मेरा फटाफट से ये जल्दी बना रही हूँ ना, बच्चे उठ गए हैं तो उनको फटाक से नाश्ता मिल जाए तो सुबह का संडे का दिन आज बन जाएगा। वो लोग संडे का, इस संडे का, ऐसे संडे का बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहे थे। तो एक साथ ही मैंने चार ब्रेड रखे, चारों में आलूएँ रखे, मसाला रखा, उसके ऊपर से चार ब्रेड और रख के दबा दिया है। उसके बाद ये कटर है मेरे पास, पिज्ज़ा कटर, या नहीं है तो नाइफ से चक्कू से इस तरह से काट लेंगे। काट के फटाफट से बस घोल में डालना है और उसके बाद तेल खूब गर्म हुआ है तेल में डाल दूंगी और बन गया फटाक से। देखिए ब्रेड पकौड़ा लगता है कभी कई दिनों से, मैं एक तो दो कारण थे, एक तो ये बहुत ज़्यादा ऑयली होता है, ये बिल्कुल मना करते हैं कि नहीं नहीं बनाना ये सब चीज़ें, ऐसी चीज़ें मत बनाया करो, तो इस वजह से भी मन नहीं करता है। लेकिन मैंने कहा चलो अब बच्चों को कभी कभी, और ठंडियों में चलता है, गर्मी में उतनी ऑयली चीज़ें नहीं खाना चाहिए लेकिन ठंडियों में एक बार खा भी लेते हैं तो हजम हो जाता है और बच्चों के लिए करना ही पड़ता है। तो बहुत दिनों के बाद ही मैंने, आप लोगों ने देखा होगा कितने दिनों से ये चीज़ें नहीं बनाई थी मैंने, तो ये देखिए बन गए बढ़िया से क्रिस्पी वाले ब्रेड पकौड़े और खुशबू सूंघ सूंघ के सब उठते चले आ रहे हैं, बार बार देख रहे हैं। तो यहाँ पर दो केचप निकाले हैं, एक चिल्ली सॉस वाला है और एक नॉर्मल केचप है, और मैं यहाँ गरम गरम निकाल दी हूँ पकौड़े और अभी तले ही जा रही हूँ। मैंने बोल दिया बढ़िया पेट भर के, देव ने बोला मम्मी कितनी कितने पीसेस हैं सबके, मैंने कहा जितना तुम खा सको आज उतना तुम्हारे लोग के लिए मैं बनाती रहूँगी, टेंशन ना लो। और इन लोग के, क्योंकि मैंने भी रोटी ही खा ली थी सुबह, इनको नाश्ता दिया था उसके बाद मैंने भी कर लिया था, सिर्फ बच्चे और बाद में बस टेस्ट कर लेंगे, एक दो खा लेंगे। सच में बहुत ऑयली होता है ब्रेड पकौड़ा और सबने खूब इंजॉय किया, मज़े से खाया, आज संडे का दिन, खुश हो गए हैं सुबह ही। और अब मेरे काम होंगे कपड़े धुलने वाले और कुछ काम पोछे लगाने का काम पड़ा था तो आज दीपू का है। और जो नाश्ते वगैरह के जो बर्तन निकले थे ना वो मैंने दीक्षा को छोड़ दिए हैं, और दीक्षा वो सारे बर्तन धुलेंगे सुबह से क्योंकि बहुत सारे बर्तन निकल गए थे नाश्ता वगैरह में, तो वो काम वो दीक्षा करेंगी। झाड़ू मैंने सुबह लगाई ही थी, बेडशीट वगैरह थोड़ी चेंज करनी थी तो बस मैं चेंज करके ये सारे कपड़े लेकर जाऊंगी छत पे, वहीं वॉशिंग है वहीं धुलूंगी। तो फटाफट से मैंने ये बेडशीट भी, सारी बेडशीट गर्म बिछाई क्योंकि जो पतली वाली कॉटन वाली रहती हैं उस पर तो बहुत ज़्यादा ठंडी लगती, गलता है, उस पर बैठना मुश्किल हो जाता है, इसलिए सब हटा दी है और गर्म वाली बेडशीटें सब पे बिछा दी है। तो ये देखिए बर्तन पूरे लगे हुए हैं, पड़े हुए हैं, मैंने चूल्हा साफ़ कर दिया था क्योंकि गंदा रहता तो अच्छा नहीं लगता, मैंने कहा तुम बर्तन धुल लेना, मैंने चूल्हा उल्हा हटा के सब इकट्ठा कर दिया। और ये आंवला सीका काई रीठा मैंने भिगो के रखा है, इसको बालों में लगाती हूँ आप लोग को पता ही है, और मैंने गर्म पानी करके बॉटल में भरी क्योंकि ठंडा पानी बिल्कुल भी पिया नहीं जाता और पानी पीना बहुत ज़रूरी है। तो पानी आप लोग भी ज़रूर पिया करिए, जैसे भी मर्जी आए वैसे पीजिए लेकिन पीजिए। तो वहाँ पानी वगैरह गर्म करके भर के पी के आ गई हूँ छत पे और लग गई हूँ मैं कपड़े धुलने में। बहुत ज़्यादा कपड़े हैं तो काफ़ी टाइम लग जाएगा मुझे कपड़े धुलने में। अभी हो गया है शाम का टाइम है और घड़ी में बज रहे हैं 5:15। क्या बोल रहे? और यहाँ लगा है कपड़ों का ढेर,
कपड़े रखने हैं, या कुछ कपड़े पहले के थे, कुछ कपड़े मैंने धुले बहुत ढेर सारे। मैं एकदम थक गई थी आज काम कर करके, सुबह से 1 बज गया था मुझे, और मैं इतनी बुरी हालत हो गई कि मैं आके पड़ गई। मैंने वीडियो भी नहीं एडिट किया, ब्लॉग भी नहीं डाला था, मैंने छोटू सा मिनी ब्लॉग डाल दिया था आप लोगों के लिए, और उसके बाद रेस्ट किया है, फिर उठी हूँ तो फिर काम में लगी हूँ। अभी फिलहाल कंबल में ही बैठी हूँ मैं, ठंड भी हो रही है और थक भी गई थी। और ये देखिए मेरे पतिदेव आ गए हैं ड्यूटी से और दीपू की बन रही है चाय बढ़िया सी, और हाँ उधर मत दिखाओ दीक्षा को दीक्षा मेरी कैमरे में नहीं आना चाहती है, तो उधर बैठी हुई है। तो हम लोग करेंगे चाय नाश्ता और इस वीडियो ब्लॉग को यहीं करेंगे एंड। मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक कर दीजिएगा प्लीज, और सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी तक सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना ढेर सारा प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिए, इसी के साथ अपना ढेर सारा ख्याल भी रखिए। तो बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।